पार्टी कैसा है पानी एक मिनट समोर है इकड़ा एक मिनट एक मिनट सर्व निकड़ा इकड़े एक मिनट कि चेंज कर समोर इकडे थोडे मागे सर थोडे सर एजेंसी है अभी अभी
हिंदी न्यूज पे भी पहुंचे, अभी तो सब मराठी वाले कर रहे हैं। अच्छा, चलो हिंदी मराठी है ना? नहीं नहीं हिंदी, ये हिंदी है। ये हिंदी तो हिंदी में बोलेंगे ना? हाँ सर, हिंदी हिंदी। राकेश सर, हिंद बड़ा गहरा बिस्तर है आपका, इंडस्ट्री से बहुत काफी समय से आप इस फिल्म के बारे में। फिल्म शादी के ऊपर है, इट्स कॉल्ड सर्वमंगल सावधान। और जब शादी की बात होती है तो बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं, बहुत सारे गाने दिखाई देते हैं, बहुत सारे एंटरटेनिंग एलिमेंट्स दिखाई देते हैं हमें, फैमिली इवेंट्स होते हैं, और हमेशा हम शादी तो इन्जॉय करते ही है, तो फिल्में भी वही हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, एक अच्छा पॉजिटिव माहौल दिखाने की कोशिश करेंगे। और स्क्रिप्ट जो है फिल्म की बहुत कमाल की है, बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही मतलब जब एक एक्टर के लिए एक बहुत कमाल का प्रोजेक्ट हमारे सामने आया, और अगर आया तो वी फील ब्लेस्ड अबाउट इट। टीम बहुत कमाल की है, एक यूनिट जो कहते हैं कि जो एक फिल्म के लिए ज़रूरी होता है वो सब है इस फिल्म में, हमारे प्रोड्यूसर से लेके डायरेक्टर से लेके स्क्रिप्ट राइटर से लेके कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से लेके सब कोई, एवरीबडी इज़ एक्सट्रीमली इंटू द प्रोजेक्ट और बहुत पॉजिटिव है। और आप फिल्म देखोगे तब आप वो पॉजिटिविटी आप समझ जाओगे क्या मैं जो कह रहा हूँ। जब पूरी फिल्म, जब पूरी यूनिट इतनी अच्छी होती है, सब लोग इतनी मस्ती करते हैं सेट के ऊपर, कि वो जब मस्ती होती है ना सेट पे, व्हेन एवरीबॉडी सो हैप्पी एंड एंजॉयिंग देमसेल्व्स, वो एकदम कैमरा पे दिख के आता है। सो आई एम श्योर द ऑडियंसेस आर गोइंग टू कैच द एनर्जी एंड गोइंग टू एंजॉय द फिल्म अ लॉट। राकेश के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? अभी शुरू कर रहे हैं काम करना, अभी हमने सिर्फ वर्कशॉप्स शुरू की हैं, एंड ही इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर एंड वी हैव बीन हैविंग अ वेरी गुड टाइम ड्यूरिंग द वर्कशॉप्स। अभी हमने शुरुआत की है वर्कशॉप, एवरी डे हम जैसे हॉलीवुड में होता है वैसे हम यहाँ करने की कोशिश करें कि हम लगे पड़े कि हमारे स्क्रिप्ट्स जो डायलॉग्स जो है हम एक दूसरे के साथ जो केमिस्ट्री हम इस्टेब्लिश करेंगे फिल्म में वो अभी से हम फाउंडेशन डालने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज मंजरी पहली बार मराठी में फिल्म कर रही है, तो जब उसके डायलॉग जब बोलने की बारी आती है तो हम सब हंस पड़ते हैं बिकॉज शी एंड शी, उसने चैलेंज दिया कि मैं मराठी में मतलब I'll be so convincing, you all be surprised. I know, मेरी मराठी वैसे अभी अच्छी नहीं है बट फिल्म में एकदम परफेक्ट रहेगी। पिट पैट पोपट पंची करके आएगी। पिछले 5 सालों में बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर, चाहे वो अक्षय कुमार हो, रितेश देशमुख हो, वो लोग मराठी फिल्मों के प्रोड्यूसर बन गए और मराठी फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी फिल्में चल भी रही हैं। क्या कुछ आप वजह बताना चाहेंगे, मतलब क्या प्रोड्यूसर बन रहे मराठी? ऑब्वियसली बिकॉज मराठी सिनेमा एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आ चुका है अभी। अगर एक फिल्म ऑस्कर तक पहुंच सकती है, मराठी सिनेमा श्वास जो ऑस्कर तक पहुंची थी, तो आई थिंक मराठी सिनेमा इज आई मीन रेडिंग टू गो अहेड। एक सब्जेक्ट्स जो होते हैं मराठी फिल्म के, जो सब्सटेंस होता है मराठी फिल्म में, वो बहुत कमाल का होता है, रियल होता है। और अभी 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 जॉनर आया कमर्शियल फिल्म का, एक्शन का, लव स्टोरीज का, तो वो अभी आई थिंक पीपल आर लाइकिंग। लाइक लय भारी वॉज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स फॉर जो अभी रिसेंट टाइम्स में रिलीज़ हुई है, एक जॉनरी अलग था। तो अभी एवरीबडी इज वेकिंग अप टू मराठी सिनेमा, और हम फॉर्चुनेट इनफ हम है कि हम करेक्ट टाइम पे हम मराठी सिनेमा में एंटर कर रहे हैं। और ये फिल्म भी मतलब एक फैमिली ऑडियंस व्यूइंग के लिए है, सब लोग जाके देख सकते हैं, उसमें कोई ऐसी अश्लीलता नहीं है या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पसंद ना आए। बहुत पॉजिटिव है, बहुत फनी है, बहुत ही बहुत कमाल का सब्जेक्ट है ये फिल्म का। मैं आई थिंक राकेश सब कुछ बोल चुके हैं, एज ही सेड कि ये पूरी फिल्म में बहुत ही ज़्यादा मस्ती है एंड कॉमेडी है, रोमांस है, इट्स अ फुल कंप्लीट सिनेमा फॉर अ फैमिली ऑडियंस एंड आई एम श्योर ऑडियंस इज गोना लव इट। मेरी अभी कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हिंदी में, दो हैं, एक है वाहताज, वो जल्दी रिलीज होगा, एंड एक फिल्म मैंने अभी अब्बास मस्तान जी के साथ कंप्लीट की है कपिल शर्मा के साथ, वो भी अभी आई थिंक अगस्त सितंबर तक शायद रिलीज हो जाए।